लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेले में भांगड़ा करने यहाँ आती है। हर साल आती है? अब क्यों ना आए? कश्मीर जगह इतनी सुंदर है, तभी तो मैं 10 साल से कुल्लू छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन इनकी पोशाक तो कश्मीरी है। लाला पसंद अपनी अपनी, जब तक ये कश्मीर में रहती है कश्मीरी पोशाक पहनती है। अच्छा तुम बकवास बंद करो और जल्दी से सबको गर्म गर्म चाय पिलाओ, हमें अभी अभी श्रीनगर जाना है। लेकिन मोहन सेठ, श्रीनगर जाओगे कैसे? क्यों, आगे वाला लकड़ी का पुल तो टूटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है, जब सुबह सुबह हम वहाँ से आए तब तो कुछ ठीक था। आज दोपहर को बड़ी जोर से आंधी और बारिश आए थे ना, इसलिए टूट गया है। सुबह से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। बुरे फंसे लाला, फिर तो आज आपको तुम्हारी शराय में रहना पड़ेगा, कमरे तो खाली है ना। हाँ हाँ, ऊपर वाला कमरा लड़कियों के लिए और तुम नीचे मेरे कमरे में सो जाना। आज का ये दिन हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी और फख्र का दिन है। आज से 25 साल पहले स्वर्गीय सेठ संजीव लाल जी ने इस मिल का उद्घाटन किया था। तब से लेकर आज तक हमारी ये मिल दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आज का ये जलसा इस मिल की सिल्वर जुबली यानी 25 साल पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि सेठ संजीव लाल जी के बेटे सेठ राजीव लाल आज से इस मिल का सारा कारोबार अपने हाथों में ले रहे हैं और ये हम सब के नए मालिक हैं। प्यारे मजदूर भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो चुका है। आज मालिक नौकर का नौकर है और नौकर मालिक का मालिक। ये मजदूरों का जमाना है, यानी कि आपका जमाना है। छोटे सरकार, सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? आज अगर आपके पिता जिंदा होते तो उन्हें मजदूरों की गालियां खानी पड़ती। जी हाँ, तो मैं कह रहा था
मेरे पिताजी ने यह फैक्ट्री 6 लाख रुपयों से शुरू की थी। इन 25 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा यानी कि जरूरत से ज्यादा मुनाफा हो चुका। राजू मैं कहती हूँ। मैं कहता हूँ माँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? भाइयों और बहनों, आप सबकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर माता जी ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया। माँ तुम सिर्फ हाँ कह दो। हाँ। मगर आपने हाँ क्यों कह दिया रानी माँ? जब उतने आदमियों के सामने राजू ने मेरे नाम से इनाम जाहिर कर दिया तो मैं क्या करती? आप मुझ पे छोड़ देती, मैं सबसे कह देता कि राजीव ने सुनने में गलती की। आपने 5 लाख नहीं बल्कि 5,000 का इनाम देने के लिए कहा था। स्वर्गीय सेठ जी भगवान के बाद रुपयों की पूजा किया करते थे। इस 5 लाख पर पानी फिर जाने से उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा पाठ करवा दूंगी। राजीव के दान पुण्य की यही रफ्तार रही तो आपको रोज ही महापूजा करवानी पड़ेगी। कारोबार हाथ में लेती तो 5 लाख का घाटा करा दिए। समंदर में से एक घड़ा पानी निकाल देने से समंदर घट नहीं जाता है श्यामलाल जी। करोड़ों की दौलत है, उसमें से 5 लाख अगर राजू ने दान कर दिया तो कौन सा जुल्म हो गया? रानी माँ, इस करुणा ने बचपन से राजीव का दिमाग खराब किया हुआ। और बचपन से पाल पोस कर बड़ा किसने किया? देखिए मैं नौकरानी का मुंह लगना नहीं चाहता। श्यामलाल जी, करुणा को इस घर में कभी नौकरानी नहीं समझा गया। जी नहीं, ये मैंने कब कहा है? 30 साल से आपका मैनेजर हूँ, रुपया बर्बाद ना हो ये देखना मेरा फर्ज है। वैसे राजीव बाबू मालिक चाहे तो सारी दौलत दान कर सकते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं श्यामलाल जी? ये क्या कहेंगे रानी माँ, राजू की उम्र ही मनमानी करने की है। कल को शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, सिर पे जिम्मेदारी आएगी तो आप ही नादानी करना छोड़ देगा। इनकी बातें तो आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया कीजिए। तुम ठीक ही कह रही हो जी, तो इसका मतलब है कि मैं बकवास कर रहा था? नहीं, आप समझे नहीं श्यामलाल जी, मैं तो राजू की शादी के बारे में सोच रही थी। मैं 7 रोज के अंदर राजू की शादी कर देती हूँ। इतनी जल्दी? मगर रानी माँ, लड़की ढूंढने में भी तो वक्त लगेगा। कोशिश करने से क्या नहीं होता है श्यामलाल जी, आप कुछ अच्छे खानदान की लड़कियों को बुलवाइए, पसंद मैं कर लूंगी। लेकिन शादी तो राजू को करनी है, उससे तो पूछ लेना चाहिए। वाह, अपने घर की बहू लाने के लिए मैं बेटे से पूछूंगी? ये कहाँ की रीत है? मैं जिसे पसंद करूंगी उसी से वो शादी करेगा। श्यामलाल जी अब जाइए। जी आइए रानी, आइए। ये है कला। हाँ जी। श्यामलाल जी, मुझे गरीब घराने की लड़की नहीं चाहिए। मैं आप जैसा रईस न सही, लेकिन 5-7 लाख का बिजनेस मैं भी करता हूँ। श्यामलाल जी आप? जी ये लड़की के पिताजी। ओ समझी, आपकी बेटी इतनी तंग कपड़े पहनी हुई है, मैं समझी शायद आप इसके लिए ढंग के कपड़े नहीं बना। मम्मी ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो डैडी का लिहाज करती हूँ, वरना लड़कियाँ इसे भी चुस्त कपड़े पहनती हैं। श्यामलाल जी मुझे ये मम्मी डैडी वाली लड़की नहीं चाहिए। कोई बात नहीं रानी माँ, आगे बढ़िए। बाप अपने मुंह से क्या तारीफ करूं नीलाम की, बस खादी के सिवाय कुछ पहनती ही नहीं। पूजा पाठ भी करती हो बेटी? जी पूजा पाठ सुबह 3 घंटे रामायण पढ़ती है और शाम को 3 घंटे महाभारत का पाठ करती है और दोपहर को भजन करती होगी। श्यामलाल जी आगे बढ़िए। आपकी बेटी मुझे पसंद है। 5वीं बेटी। जीती रहो बेटी, लीजिए मेरा बेटा भी आ गया। यहाँ राजू। अरे तेरे पैर में क्या हुआ? लंगड़ा। राजीव। ओ माय, बहना। राजीव ये क्या पागलपन है? माफ कीजिए, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। चलो बेटी। राजीव मेरी बेटी में ऐब था, आपके बेटे में तो बहुत सी खूबियां हैं। अजी इनके बेटे को तो 4 चांद लगे हुए हैं। हम क्यों बैठे हुए हैं? राजू इस
बदतमीजी का मतलब क्या है? माँ जब तुम जानती हो कि मैं शादी करना नहीं क्या चाहता। तू शादी नहीं करेगा? नहीं। लेकिन मैंने लड़की पसंद कर ली है। कमाल करती हैं आप माँ, शादी मुझे करनी है और पसंद आप करेंगी? राजीव बेटे, शादी तो बराबर के खानदान में ही होगी, आखिर तुम भी तो एक करोड़पति के बेटे हो। तो ये जरूरी है कि किसी करोड़पति की लड़की से शादी करनी है? मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। तेरी पसंद की लड़की होगी कैसी, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने आज तक ऐसी लड़की देखी तो नहीं है माँ, लेकिन उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में जरूर है। भोली, शर्मीली, लाजवंती, सुंदर। मुझे आजकल की मॉडर्न लड़कियां कतई पसंद नहीं। जो ये शादी तू उसी से करेगा, मैं जिसे घर की बहू बनाना चाहूंगी। माँ, तुम्हारी एक मामूली जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी को तबाह कर दूं? ये शादी सारी जिंदगी का सवाल होता है, एक लम्हे का खेल नहीं। लेकिन शादी उसे करनी पड़ेगी, और वो भी मेरी पसंद। हेलो, इतनी जोर से हेलो? अरे यार, मैं चंदर बोल रहा हूँ, चंदर क्लब से। अच्छी बात है, मैं यही ठहरता हूँ। यू आर ड्रंक, तुमने ज्यादा पी ली है। नो नो चंदर साहब, मैंने तो कभी चखी तक नहीं। ये बात लो, चखो। थैंक यू। वेट, तुम्हारे पास परमिट है? जी नहीं। देन यू कैन नॉट ड्रिंक, लॉ इज लॉ। वेटर, यस सर, वन लार्ज, जल्दी। बेटा, एक कोको कोला जल्दी। तुम जानते हो मैं क्यों पीता हूँ? जी हाँ जी हाँ कर्नल साहब, आपकी ट्रेजेडी को कौन नहीं जानता। हेलो चंदर। हेलो राजीव। हेलो कर्नल। हेलो राजीव, हैव अ ड्रिंक माय सन। थैंक यू सर, ना मुझे इसकी आदत है और ना इसकी जरूरत। थैंक यू। मुझे दोनों है। बड़ा जबरदस्त हो रहा है यार, यहीं बैठ जाओ। सर जी, आपका कोको। थैंक यू थोड़ा। एक खुशखबरी सुनाता हूँ, अब तक लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहते थे, लेकिन अब मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। क्या? इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले मैं तुम्हारा बीमा करूंगा राजीव लाल। मेरे लाइफ इंश्योरेंस का इंतजाम मेरी माँ कर रही है। क्या मुझसे पहले ही कोई एजेंट पहुंच गया? ओह शट अप। व्हाट कर्नल साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा था। चंदर, माँ ने मेरी शादी करने की इज्जत ठान ली। मुबारक हो, मुबारक हो। भगवत, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ने तो आज ही देखने के लिए बहुत सी लड़कियां बुलवा ली थी। कैसी थी, कैसी थी? बकवास थी, बकवास थी। मैंने सबको भगवा दिया वहां से। कमाल है, हमें तुम भगा देते हो। चंदर, ये मजाक की बात नहीं, बहुत सीरियस मामला है। तो तुम अपनी पसंद की कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों, मैंने अभी तो कोई लड़की ऐसी देखी नहीं जो मुझे पसंद आए। देखोगे देखोगे, किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी न कभी दिल लगाना ही पड़ेगा। सिंपल लॉ ऑफ नेचर, नो लाइफ विदाउट अ वाइफ। देख, मैं शादी नहीं करना चाहता। यहाँ से बच निकलने की कोई तरकीब बता। रन अवे माय बॉय, रन अवे। कमला भी भाग गई थी, तुम भी भाग जाओ। क्या करने में, बात तो पति की कही, लेकिन भाग के जाऊं कहां? कश्मीर चले जाओ ना यार, वहां तो तुम्हारा खुद का मकान है, भोला राम तुम्हारा आदमी है, और मजे की बात वहां रानी माँ तो कभी जाती ही नहीं। You're right, तू भी चल। नहीं यार, मेरी नौकरी का सवाल है। रिजाइन, इस्तीफा दे दो। ओके, तुम्हारा दोस्त होकर मैं नौकरी करूँ तो लानत है मुझ पर। करेक्ट, लेकिन बात सुन, दो दिन लग जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। तुम मेरी गाड़ी लेके चला गया, मैं बाद में चलाता हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस।
किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। एक से एक हंसी चेहरे हैं, किस किस को मैं देखूं, किस को जग में अपना समझूं, संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली, कोई रंगीली रसीली छैल छबीली, आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ओ, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। प्यार जिसे कहते हैं, ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद भी सदके होता हो जब रात को वो सोती हो, आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से सवार दे जो जिंदगी मेरी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। सराय का मालिक कौन है? मैं हूं। आप? कोई कमरा खाली है? नहीं। क्या? दो कमरे खाली थे वो भी भर गए। देखो भाई कुछ मदद तो करो, मुझे श्रीनगर जाना है, आगे रास्ता बंद है, इतनी रात को मैं कहां जाऊंगा? अच्छा 3 रुपए निकालो। जाओ उस सीढ़ी के नीचे सो जाओ। इतनी सर्दी में?
मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, एक अंगीठे का बंदोबस्त कर दो। अच्छा, 2 रुपये और निकालो, जाओ आओ। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता। ये क्या बदतमीजी है, पानी क्यों डाला? गलती हो गई, हमने सोचा था आग लगी है। पहले देख तो लिया होता। देखते कहां से, आग में तो धुआं भर गया था, तुमने आग क्यों लगाई? बगावत! क्या हुआ, क्या हुआ? एक लड़की ने ऊपर से पानी डाल दिया। और नहीं तो क्या, ऊपर से फूल बरसाती? जरूर इसने कोई शरारत की होगी। मैंने तो इसे सही बांधी समझ कर जगा दी थी। तुम कहे हो मैं चुप, तब आग जलाकर सोने की तैयारी कर रहा था, समझे? हमें क्या मालूम था, हमने धुआं देख के सोचा आग लग गई। अब तो ठंडी हो गई। चलो चलो, सबकी सब चुपके से सो जाओ, चलो। क्यों बुझ गई बेटा राजीव लाल, आज इस सर्दी में तेरी जाफरानी मौत की। कश्मीर चलेंगे बेटा, श्रीनगर जाएगा। बहुत सर्दी है रघुपति राघव राजा राम, राम बहुत सर्दी है पति तपावन सीता सीता। बहुत पानी डाला था। अजीब लड़की हो, पहले पानी डालती हो फिर कंबल देती हो। क्या नाम है तुम्हारा?
पहचाना? तुम? आवाज सुनकर चला आया, तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? क्यों? रात को तुम आई और झट से चली गई, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। सच्ची, अगर रात को तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो सर्दी में अकड़ गया होता। तुम सुबह चली गई, मैं तुम्हें तलाश करता रहा। क्यों? भूल गई, तुम्हारी एक चीज मेरे पास है। कौन सी चीज? पानी की बाल्टी। क्या बत्ती हो? करेक्ट। ओ, तब तो जान पहचान पुराने मालूम होती है, हमने तो सोचा था कल रात को ही पहली मुलाकात हुई थी। चुप रहो, तुम लोग बहुत बदतमीज हो। नहीं सरकार, हम लोग फूल वाली हैं। सुनो, वो भी फूल वाली है। देखो, सुनो, 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 चलो, चलो, तुम्हारा कंबल? ये मेरा नहीं है, उस समय वाले का है। तो मैं क्या करूंगा इसका? फेंक दो उठा के। सुनो, श्रीनगर का यही रास्ता है? हाँ। तुम वहीं जा रही हो? हाँ। तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे पैदल चलने की आदत है। एक दिन में आदत खराब नहीं होगी, कल रात तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हारी। मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की थी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बड़ा आदमी कैसे समझा? ये मोटर मेरी नहीं है। तो तुम क्या ड्राइवर हो? ड्राइवर? टोप तो ऐसे पहन रखा है जैसे कोई बहुत बड़े साहब हो। ओ साहब? हाँ, साबिक तो है ये टोप। साहब यानी कि मेरे मेरे सेठ जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये कपड़े भी उन्हीं के दिए हुए हैं, बख्शीश। मैं तो झूठ मूठ रोब में आ गई, तुम तो पूरे उधार चंद निकले। क्या निकला? उधार चंद? मोटर दूसरे की, कपड़े दूसरे के। तुम्हारा अपना क्या है? मेरा एक दिल जो किसी को अपना बनाना चाहता है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि जिसको अपना बनाना चाहता है उसका ना नाम मालूम है ना पता। नाम तो बताती जाओ। ए, ए। किसका नाम पता पूछ रहे हो सरकार? तुमसे मतलब? मतलब ये है कि रास्ते में गांव की सीधी शादी लड़कियों को छेड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे सरकार। अपना काम करो ना जाके। अपना काम तो आपको समझाना था, सो समझा दिया। वैसे मेरा नाम मोहन है, याद रहेगा ना? एक ठीक से काम करो। तुम इधर आओ। देखो, हाँ, परसा आया मोहन से। जब काम ठीक हो रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास मोहन से। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मोहन से? हाँ। एक तरफ एक 10 रुपए बहुत जरूरत। कौन?
कैसे आए? निकलो बाहर यहाँ से। शट अप! तुम लोगों को इस घर में घुसने किसने दिया? आए? ए मिस्टर, 3 महीने का एडवांस किराया दिया है हमने। कैसा एडवांस? हमने पूरे सीजन के लिए ये होटल बुक किया है। ये होटल है? और नहीं तो क्या तुम्हारा बंगला है? ऑफ कोर्स। अभी पुलिस को फोन करो। नहीं, हम कर देते हैं। माया, जरा पुलिस को टेलीफोन करना कि एक बदमाश हमारे होटल लेक व्यू में घुस आया है। होटल लेक व्यू? जी हाँ। ये होटल लेक व्यू है? हाँ। जाते हो या पुलिस को फोन करो? तुम लोगों ने सेठ राजीव लाल का नाम सुना? हाँ। नहीं, राजीव लाल लड़कियों, लड़कियों तुम लोग खेल कर आ गई, शाबाश, जाओ कपड़े बदली कर लो। ये कौन है? अरे मारी दी, ये सेठ राजीव लाल है। आहा, सेठ राजीव लाल, शाबाश। कौन कहता है? इन्होंने खुद ने तो कहा। इन्होंने खुद ने कहा और तुम सबने मान लिया? हाँ। अरे बुद्धुओं, अगर सेठ आने वाले होते तो भोलाराम ना कहता। भोलाराम कहाँ है? कहाँ है भोलाराम? मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते पूछने वाले? हम भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? Who are you? मैं रमा देवी, इन लड़कियों की गार्जियन। समझे? रमा देवी, जरा शांत रखिए आप। यकीन जानिए, भोलाराम आ जाए उसके बाद। भोलाराम के आने से पहले तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। Get out! Shut up! गर्ल्स, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपने अपने बल्ले और इस पर धावा बोल दो। हमारे बंगले को होटल किसने बनाया? मैंने सरकार। क्या? बहुत साल से आप लोग यहाँ आए नहीं ना, तो अकेले बंगले में दिल नहीं लगता। बराबर, वहाँ हमारी बेइज्जती हो गई, सबको बंगले से बाहर निकाल दो। ये कैसे हो सकता है सरकार? मैंने उनसे एडवांस लेकर उनकी रिसीट भी दी है। मैं कुछ नहीं जानता, शाम तक बंगले से सब बाहर होने चाहिए, तब तक मैं कहीं और रहता हूँ। आप तो यहाँ ठहर नहीं सकते सरकार। क्या मतलब? रानी माँ का टेलीग्राम आया है कि आप यहाँ आए होंगे तो आपको फौरन वापस भेज दिया जाए। और तुमने क्या जवाब दिया? अभी तक दिया नहीं, मगर अभी दूंगा। भोलाराम, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया। लेकिन सरकार, रानी माँ के टेलीग्राम का जवाब तो देना होगा। लिख दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? उनको तो मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, उनको रहने दो, मैं कहीं हाउस बोट में ठहर जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं सरकार, ये होटल लेक व्यू आप ही का है। ऊपर वाला कमरा मैं आपके लिए खाली करा देता हूँ। लेकिन मैंने गलती से उन लड़कियों से कह दिया कि मैं खुद ही सेठ राजीव लाल हूँ। तो क्या हुआ सरकार, आपकी गलती मैं ठीक कर दूंगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसे तिकड़म करूंगा। आप 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। भोलाराम, तू गुरु राम है बेटा, आपका खादी हो सरकार। मैंने ऊपर के कमरे में आपका रहने का फर्स्ट क्लास बंदोबस्त किया है। वो सब कहाँ? डर के मारे यही कहीं छुप गई होंगी। डर के मारे? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके बारे में मैंने ऐसा रोब जमाया है कि आपके सामने आने की किसी की हिम्मत ही नहीं। सामान हटाते हैं यहाँ से? देख लीजिए सरकार। देख रहा। अरे, इसने तो आते ही पागलपन शुरू कर दिया। अरे भोला राम, इस पागल को कमरे में बंद कर दो। कौन पागल? कौन पागल? नहीं, आपने मैंने उनसे कहा था कि आप सेठ जी के दोस्त हैं, लेकिन अपने आप को सेठ राजीव लाल समझते हैं। क्या मतलब? मतलब आपका दिमाग जरा खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उनसे कहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अब तो उनको यकीन हो गया। दाए। आप सचमुच पागल हो गए क्या? अब तो तुमने कह ही दिया तो कुछ पागलपन करना बहुत जरूरी है। सरकार, जल्दी में और कुछ सूझा नहीं, अब आपको यहाँ कोई सेठ राजीव लाल समझेगा भी नहीं और परेशान करने के लिए कोई आएगा भी नहीं। मानता तो है दिमाग को, क्या तरकीब सोच? आप कुछ काम तो नहीं है सरकार। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, सामान ऐसे बाहर फेंक दिया। लेकिन ये
ये बुक कैसी? इवनिंग इन पेरिस की है सरकार, लड़कियां रहती थी, दो चार दिन तो खुशबू रहेगी। मुझे नकली खुशबू कतई पसंद नहीं। कल सुबह ही ताजे फूल मंगवा के दूंगा, तबीयत खुश हो जाएगी। बोला राम, सुना कि यहाँ पे लड़कियां फूल बेचती? लड़के भी बेचते हैं सरकार। ओहो, मुझे खास किस्म के फूल चाहिए। बोला राम, तुम फौरन उसका इंतजाम कर दो। कौन है तू? क्या चाहिए? सुना है यहाँ कोई सेठ जी आए हैं, उन्हें फूलों का बहुत शौक है। मगर उन्हें जो फूल चाहिए वो तेरे पास नहीं है। जा पहले देखो तो सही। अरे ऐसे फूल लेके 12 फूल वाली आई थी, सबको वापस कर दिया सेठ जी ने। जा जी सरकार। जल्दी ऊपर आ। आया सरकार। बोला अभी भी एक नई फूल वाली आई थी क्या? हाँ, मगर उसके पास खास फूल नहीं थे, उसको मैंने भगा दिया। उसे जाकर ऊपर भेजो। मगर उसके फूल मैंने देख ली। मैं उसका फूल देखना चाहता हूँ। जल्दी जाओ ऊपर भेजो उसे। जी कौन है? फूल वाले। अंदर आ जाओ। आ गई। कौन कौन से फूल हैं? गुलाब है, कमल है, चमेली है, बेला है। क्या दाम है? पूरी टोकरी के 5 रुपए। टोकरी यहाँ लाकर रख दो। जी। ऐसे फूल सारे कश्मीर में नहीं मिलेंगे सेठ जी, ये चंपा के फूल हैं। झूठ बोलती हो, इसमें एक भी चंपा का फूल नहीं। नहीं नहीं, चंपा मेरा नाम है। और हो भी क्या सकता है? तुम? मैं? तुम तो ऐसे घूर कर देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। तुम यहाँ कैसे? मैं सेठ जी का ड्राइवर। अरे मगर तुम कुर्सी पे कैसे बैठ गए थे? जब सेठ जी यहाँ नहीं होते ना तो मैं सेठ बन जाता हूँ। सेठ जी नहीं है? सेठाने के पास गए हैं, लेकिन कहकर गए थे अगर कोई फूल वाली यहाँ पर आए तो उसके फूल खरीद लेना। तो खरीद लो ना, फिर मुझे धूप में नहीं भटकना पड़ेगा। ये लो। 20 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत कम है, अगर मेरे सेठ जी यहाँ पे होते तो कम से कम 50 रुपए देते। 50 रुपए? हाँ। तो तुमने सच कहा था कि तुम्हारे मालिक बहुत अच्छे हैं। और मैं? तुम भी बहुत अच्छे हो। चंपा, अगर मैं रोज तुम्हारे फूल बिकवा दिया करूँ तो क्या इनाम दोगे मुझे? जो तुम मांगोगे। ये फूल तुम्हारे बालों में लगा सकता हूँ? नहीं समझी थी, पैसों में हिस्सा मांगोगे। लो लगा। जल्दी करो, कहीं तुम्हारे मालिक आ गए तो। कह दूंगा तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कह देना। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं भी झूठ नहीं बोलता। अभी तो बोले थे। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ। वो तो करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सच बात है। मैं जाती हूँ। ए कल फिर आओगी ना? मालूम नहीं, छोड़ो। कहो आऊंगी। कहो। आऊंगी। Thank you.
आज बड़ी जल्दी आ गई बेटी। हाँ बाबा, बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ। मालूम होता है तेरे सारे फूल बिके। हाँ बाबा। अच्छा बताओ तो कितने में बिके होंगे? आज कोई 8-12 ना ज्यादा मिल गए होंगे। नहीं बाबा, 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ बाबा, जिसने खरीदे वो तो ड्राइवर है, कहता था सेठ जी होते तो 50 देते। चंपा, उसके 15 रुपए लौटा देना। क्यों बाबा? 5 रुपए के फूल का 5 ही रुपया लेना चाहिए। मगर कोई अपनी खुशी से दे तो इसमें उसका जरूर कोई मतलब है। नहीं बाबा, वो ड्राइवर तो बहुत अच्छा आदमी है। एक आदमी की सूरत देखकर उसकी नीयत का पता नहीं चलता, तो उसके रुपए लौटा देना और फिर वहाँ कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी, मगर रुपए तो बहुत काम आते हैं, इन्हें लौटाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटी नहीं, तू नहीं जानती, रुपए की लालच में आदमी अपनी आत्मा तक बेच देता है, शैतान बन जाता है। बापू। बेटी, इज्जत के साथ रूखा सूखा जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। हेलो चंदर। हाँ हाँ हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, एयरपोर्ट पर रहो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ चंदर। हाँ सरकार, चंद्र बाबू यहीं ठहरेंगे? हाँ। आपको तो नकली सेठ बना दिया, अब उनको क्या बनाएंगे? उसको असली सेठ बना दो। सबसे कह देना कि असली से राजीव लाल वही है, चंद्र को मैं समझा दूंगा। आपके दिमाग का भी जवाब नहीं है। भोला राम, अभी तक नहीं आए तुम्हारे सेठ जी। भोला राम, तुम्हें खुद जाना चाहिए था, उस पागल को क्यों भेज दिया? भोला राम, सेठ जी देखने में कैसे हैं? हाँ बोलो ना, कैसे हैं देखने में? नकली सेठ को सलाम करो, असली सेठ को सलाम करो। माता गौतमी, ये है रमा देवी। माय लव। हाँ जी जी। माय डव। नमस्ते। माय पिजन। माय कैक्टस प्लांट। शेर जी, ये है छाया माया रेखा। व्हाट व्हाट? रेखा माया छाया। नमस्ते शेर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा दोस्त थोड़ा सा पागल है, अपने आप को सेठ राजीव लाल समझता है। व्हाट नॉनसेंस। आपकी शादी हो गई सेठ जी? नहीं, लड़की ढूंढता हूँ। कौन सी लड़की? जिससे मैं शादी कर सकूं। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मुझे 30 साल के पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। आपकी उम्र क्या है सेठ जी? जी ये मुझसे 3 साल छोटा है और मैं इससे 3 साल छोटा हूँ। माफ कीजिए मेरा दोस्त, जरा ओ माय गॉड, ये सेठ जी तो उस पागल से भी ज्यादा पागल है। मगर करोड़पति है, शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, इसलिए जल्दी कुछ प्लान बनाना चाहिए। कम ऑन। नो चांस डार्लिंग, आई एम रेडी। शट अप। क्यों सेठ राजीव लाल की एक्टिंग कैसी रही? थर्ड क्लास, बिल्कुल जोकर लग रहा था तू। यार उन लड़कियों को तो यकीन आ गया। यकीन वकीन कुछ नहीं आया प्यारे, उन लड़कियों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तेरी जगह कोई और उल्लू होता तो उसे भी राजीव लाल समझती हूँ। ऐसा मत कह यार, जिंदगी में पहला मौका है, तीन तीन लड़कियां एक साथ मुझ पर फिदा हो गई। मेरा क्या पछताएगा बेटा। सरकार कौन है? नकली नहीं, असली सरकार से काम है। सरकार, वो कल की फुलवाली फिर आई थी, तुमने रोका नहीं? आपके साथ कोई ड्राइवर भी आया है? जो पूछा उसका जवाब दो। वो चली गई क्या? उसने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया, 15 रुपए मेरे सामने फेंक के वो चली गई और कहा है कि सेठ जी का ड्राइवर आएगा, उसको ये दे देना। तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ड्राइवर का बच्चा है कौन? मैं हूँ। आप तो सेठ संजीव लाल का बेटा कौन? वो भी मैं हूँ। पैसे मैंने दिए थे, तुमने क्यों रख लिए? एक टोकरी के 20 रुपए। क्यों गुरु, ये क्या चक्कर? नॉनसेंस। वो गई कहाँ? बाजार में। बाजार में क्यों भैया?
वो फूल वाली देखने में कैसी? मेरी बेटी जैसी। अरे इस नाव में तो कोई भी नहीं है, धूप में सारे फूल मुरझा जाएंगे। ओ करीमा, जरा करीब लेना, थोड़ा सा पानी डाल दूं। ओ, तुम, मैंने समझा कि नाव में कोई भी नहीं है। चुप रहो, सारे कपड़े भिगो दिए। अरे उस रात को तुमने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया, मैं तो नाराज नहीं हुआ था। ओ, तो आज उस बात का बदला लेने के लिए आए हो? नहीं तो मैं तो सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुमने रुपए क्यों लौटा दिए। क्यों, बोलो बोलो बोलो। जो एक जवान लड़की को 5 की चीज के 20 रुपया देता है वो खराब आदमी होता है। अच्छा, किसने कहा? मेरे बाबा ने। और तुमने यकीन कर लिया? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? कहा नहीं, मगर कब कहोगी? तुम चले जाओ, वो लोग ला रही है। कौन? लड़कियां। मुझे तुम्हारे सिवा कोई लड़की नजर नहीं आती। जाओ ना, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगी? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, सब बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा
उसने ही दुनिया पाई तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे मुकड़े से हटा दो आंचल हो जाए दूर अंधेरे हो जाए दूर अंधेरे माना के ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया 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 खत्म हो गई आपकी रासलीला अरे अभी तक सोए नहीं यार आज तो मजा आ तीनों लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं तीनों यार एक बात तो बता मैं समझूं किसने कहा रेखा ने और माया ने तो यहाँ तक कह दिया कि रॉक हटसन मेरे सामने कुछ नहीं जरा उल्लू बना रही बेटा उल्लू यू आर राइट मगर मैं ऐसा गधा नहीं हूं जो उल्लू बन जाऊंगा दोनों लड़कियों को गोल करके फौरन छाया के साथ शादी कर लूंगा छाया के साथ शादी करेगा तू यार उसके बाप की कपड़े की दुकान है क्लॉक मर्चेंट आई एम सॉरी क्लॉक मर्चेंट चाय पानी का खर्चा तो निकलेगा यार और देखने में लड़की भली तो नहीं यार यू आर राइट विश यू द बेस्ट ऑफ बैड लक पुट आउट द लाइट प्लीज गुड नाइट आई एम फीलिंग स्लीपी ओ मागो मागो हेलो आप अभी तक सोई नहीं आपका शुक्रिया अदा किए बिना मुझे नींद कैसी आती है जी जी थैंक यू मगर किस बात का माया और छाया से ये कहने का कि आपको मैं उनसे ज्यादा पसंद हूँ इधर देखिए ना मेरे सूरत की तरह तेरी प्यारी प्यारी सूरत को चश्मे बंदू अरे ये पागल यही है डरो मत इसे नीम ने गाना गाने की आदत है मगर मगर ये तो चल रहा है चंद्रकला तेरी ये बदसूरत आंखें और ये भयानक चेहरा मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता भाग गई थैंक यू क्या क्या मुसीबत बोल लिया तुमने थोड़ा सा बंद कर सर्दी लगती है क्या मुसीबत है तीन लड़कियां पागल हैं एक मेरा दोस्त पागल चल जल्दी सो जा जलाल ओ फिर आ गई मुसीबत नंबर दो अभी तक सोए नहीं आप जी जब आप आ गई हैं तो नींद कैसे आएगी सच मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इतना चाहते हैं क्या कहा इधर आपको नींद नहीं आ रही थी और उधर मुझे अरे ये अभी तक यही है कहाँ जाएगा बेचारा तो सोने दीजिए चलिए हम बाहर चले चांदनी रात है चलिए ना चलिए
खतरा है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। ये क्या बोल रहा है? ये सपना देख रहा है, रोजाना एक ही सपना देखता है। क्या? कि वो अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गया है और वहाँ जंगली आदमी से घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, दा, दा, अरे बाप रे, हुला बुला, हुला बुला। देवी जी सुनिए, बाहर मत जाइए, चांदनी रात है। थैंक यू वेरी मच यार, मुसीबत नंबर दो से बचाया। और मजनू की छठी औलाद, जल्दी जाके सो जा, मुसीबत नंबर तीन आती होगी। चल अरे छाया आ रही मेरी लैला, और चल सो जा। अरे यार कपड़े तो बदल लेते हैं। ऐसे छोड़, चल। गीदड़ की मौत आती है तो लड़कियों की तरफ भागता। चल मांगो, ओ मांगो। तुम तो ऐसे घूर के देख रही हो जैसे कभी देखा नहीं। इस रूप में तो कभी नहीं देखा था। जितनी बार मिलोगी हमेशा नए रूप में देखोगी। ना जाने तुम्हें कौन सा रूप पसंद आ जाए। अच्छा वाला मोटर चलाया करता था, मोटर से नाव पे आया, नाव से सत्ता। मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? और नहीं तो क्या, मुझे शौक खत्ते पर चढ़ने का, मोड़ो जाती तुम्हारे घर तक। मेरे घर तक? तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? बोलो मैं क्या। आओ आओ मेरे साथ, बताता हूँ। आओ 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 आओ, ये देखो। इतने सारे फूल खरीदने पड़े तो मैं ढूंढते झील के किनारे पहुंचा। वहां तुम्हारी सहेली ने शर्त लगा दी कि जब तक उन सबके फूल नहीं खरीद लूं तुम्हारा पता नहीं बताएंगे। सच? सच। अब मैं झील के किनारे फूल बेचने गई तो सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो मच्चा? फूल नहीं बिके तो शाम को खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। बस हाथ लाओ, ये लो फूल बिक गए, अब तुम्हें शाम तक फुर्सत है। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। क्यों? आज दिन भर घूमेंगे, सुनो यहाँ बहुत सी चीजें देखने लायक है। तो जाओ ना अकेले। एक साथी चाहिए रास्ता दिखाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। चंपा, अरे ओ चंपा, जल्दी चलो। लेकिन चलो ना। अरे अभी कहती नहीं चलो, अभी कहती है चलो। अजीब लड़की है वो, है कौन? लेकिन सुनो तो, वो बदमाश कौन था? मोहन, जंगलों का ठेकेदार है। मगर तुम उससे डरती क्यों हो? मेरे बाबा उसके कर्जदार हैं, अगर वो नाराज हो गया तो हमें गांव से निकलवा सकता है। ये मोहन तुम्हारे घर आता है क्या? हाँ, बाबा से मिलने के बहाने आता है मगर हमेशा मुझे तंग करता है। क्या मतलब? वो मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा ये बात है, अगर फिर वो बदमाश तुम्हें कुछ कहे तो मुझसे बोलना। तुम क्या करोगे, वो बहुत टेढ़ा आदमी है। मैं उसे सीधा कर दूंगा, आईना तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे बाबा का कर्जा भी अदा कर दूंगा। 800 रुपए हैं, तुम कहां से लाओगे? मैं? चोरी करके। चोरी? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहो तो अपनी जान भी। बस बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। Thank you.
कितनी खूबसूरत वादी है। तभी तो सोच रहा हूं कि यहां आते ही दिल किसी से प्यार करने के लिए क्यों मचलता है। हो रही है क्या जी? हम थोड़ी देर यहाँ रहना चाहते हैं, मौसम ठीक होते हम यहाँ से चले जाएंगे। जोर से बोल, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। अभी घोड़े बेचकर सो रही है जी। हमने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी देर यहाँ रहना चाहते हैं। बारिश हो रही है? हाँ जी। तेरी औरत है? अरे आदमी है कि घन चक्कर? वो गीले कपड़े पहने खड़ी कांप रही है, तू मुंह देखता है? सर्दी लग गई तो अकड़ जाएगी। चल बेटी मेरे साथ। चल ले बदल ले कपड़े। और तो क्या हुआ, तेरा मर्द ही तो है, नखरे तो ऐसे कर रही जैसे कल ही ब्याह हुआ। अच्छा जा ऊपर जाके बदल ले, जा। चल जा कपड़े बदल ले तू भी, जा जा ठंडी लग जाएगी, जा जल्दी कर। रस्सी पे डाल दो, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। मैंने कहा जी सोनियो जरा अपने कपड़े भी सुखा दीजिए ना। मेरे बेटे और बहू के कपड़े तो तुम दोनों को एकदम ठीक आए। ये कोट उन्होंने पिछले साल मेले में से खरीदा था। अच्छा? हाँ। नानी जी हमने आपको बहुत तकलीफ दी, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ वो दोनों बाजार गए थे, किसी मुसीबत में तुम्हारी तरह फंस गए होंगे। दुश्मन भी ना फंसे। आए क्या कहती है? वो कहती है कि हाँ। जब तक आपका बेटा और बहू आपस नहीं आ जाते हाँ। आप हमें ही अपना बेटा और बहू समझिए। भला ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा तो अब मैं आराम से सो जाती हूँ। गुड आइडिया। अरे हाँ घर का जरा ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। कपड़े सूख जाए तो पहन कर चले जाना। आइए आपको मैं सुला दूं। आइए आराम से सो जाइए। बेफिक्र होकर चंपा
चंपा, चंपा तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। चुप रहो। अरे सर्दी कम होगी लेकिन तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हारा मुंह भी ना देखो। क्यों? वो तुम्हारी नानी जी न जाने क्या क्या बक गई और तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। भगवान उनको 100 साल जिंदा रखे। हम उनसे आशीर्वाद लेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। क्या? जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है, दुनिया में हर आदमी शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं। मगर तुमसे शादी करेगा कौन? अरे कोई भी करेगा, तुम क्यों नाराज होती हो? वैसे तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो सच्ची। इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जिस फूल पर था
वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाली बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। कहां से आ रही हो? फूल बेचकर। ये फूलों के साथ साथ दिल कब से बेचना शुरू कर दिया है? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा है और उस मोटर वाले के साथ तो सारा दिन गुजार कर आ रही। छोड़ता है कि नहीं? बाबा बाबा। बात यह है बाबा कि शंपा के कदम अब बहकने लगे। कौन? मोहन? हाँ बाबा, इससे पूछो कि दिन भर कहाँ थी। बाबा, रास्ते में बड़ी जोर की आंधी और बारिश होने लगी, इसलिए एक जगह रुकना पड़ा। उसी मोटर वाले के साथ? कौन मोटर वाला? एक भला आदमी मिल गया था बाबा, उसी ने मेरी जान बचाई, वरना आज मैं जिंदा लौट के नहीं आती। ना ना, बुरी बात मुझसे मत निकाल। कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मेरी बच्ची को। अगर मैं आंखों से अंधा न होता तो तुझे कभी घर से बाहर जाने न देता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो इसका घर से निकलना बंद कर दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि शंपा बच्ची नहीं रही, तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठा रही। मोहन, खबरदार जो चंपा के बारे में कुछ कहा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अपनी बेटी पर? बाबा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। ये होता कौन है हमारे बीच में दखल देने वाला? बेटी, तू अंदर जा, 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 जा अंदर जा। साहब, तुम्हारे सामने। क्या जानते हो चंपा के बारे में? यही कि शंपा तुम्हारी बेटी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? बाप का भी शुभा नहीं रहता। देखो मोहन, चंपा कोई कभी न मालूम कि मैं उसका बाप नहीं हूं। तो उससे कह देना कि वो कल से कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ। हम समझ गए ना? बाबा, चलो खाना लगा दिया। आया बेटी। आज बड़ी जल्दी खाना लगा दिया। हाँ बाबा, जल्दी सो जाऊंगी, कल सुबह मेले में जाना है ना। बेटी, किसके साथ? किसी भी सहेली के साथ चली जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ हर साल की तरह तू अपनी सहेलियों के साथ लारी में जा। मोहन की लारी में? हाँ, तेरी सहेलियां भी तो जाएंगी ना। मगर मैं नहीं जाना चाहती। चंपा, अगर तू मेले जाना चाहती तो अपनी सहेलियों के साथ जाओ, वरना इतनी दूर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। अच्छी बात है, मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। बेटी, मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ। चंपा। कौन? मुन्नी है, मैं अभी आई बाबा। अच्छा। चंपा, तू कल मेले में चल रही है ना? हाँ। तू अभी जाकर राजू को खबर कर दे कि कल मैं उसे नहीं मिल सकूंगी। अच्छा, तो तू उससे रोज मिलने लगी है? जान पड़ता है शहनाई जल्दी बजने वाली है। चुप क्यों है शंपा? आज तो हंसकर बातें करो, त्यौहार का दिन है। आज मैं सोच कर आया हूँ कि तेरे लिए 100 रुपए की साड़ी लूंगा।
मेरे पास साड़ी है। तेरे पास क्या नहीं है चंपा रानी, मगर कुछ मेरी पसंद का भी तो होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तू मुझे पसंद है। सामने देखो। सामने अल्लाह ने तुमको हमारे मदद के वास्ते भेजा है, किधर जाता है? गुलमत के मेले में हमको भी साथ में ले चलो, हमारा बीवी चल नहीं सकता, उसके पेट में हमारे खानदान के चिराग है। इसमें जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी में आओ। बैठा लो ना बेचारों को। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारी सहेलियां जो पठानकोट से भांगड़ा करने आई हैं, उनको जगह की तकलीफ ना हो। तुम कहती हो तो बिठा लेता हूँ। आ जाओ उधर से। खुश हो, परवरदिगार सलामत रखे। जनाना का मुसीबत जनाना समझता है। कुर्बान गुलबदन बानू, तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए जगह बनाता है। खुची, हम तुम्हारी बीवी के साथ कैसे बैठेगा? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। होने वाली है। ओ बच्ची, तुम गैर मर्द के साथ बैठता है? तुम जाओ, जाकर जनाना में हमारे बीवी के पास बैठो, हम इसके साथ बैठेगा। उतरो, उतरो। ठहरो शंपा, तुम ऊपर कैसे चढ़ोगी? चलो मैं हाथ लगाता हूँ। देखो जी क्या कहता है, जवान लड़की को हाथ लगाएगा? तुम फिक्र न करो, हमारा बीवी इसकी मदद करेगा। कुर्बान गुलबदन बानू, तुम्हारे से बगल ये खुश था। ओह खान साहब, तुम्हारा तो बीवी तुमसे भी ऊंचा है। अरे तुमको मालूम नहीं, इसकी खानदान में यही सबसे छोटा है, बाकी की सब बहनी 7 फीट से भी ज्यादा ऊपर है। ताज्जुब है? ताज्जुब क्या, भी दूसरा बात बाकी है। तुम में शुभ अगर यह कुछ तो पंच पुरियो। देखा, हमारा बीवी जितना भारी है उसकी आवाज भी उतना भारी है। सब खुदा ही रहता है। खान साहब, तुम तो कहता था कि तुम्हारा बीवी चल नहीं सकता। ओ भाई 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 भाई, हमारा बीवी पठान की बच्ची है, कमजोरी में भी ताकत पर होता है। तुम आगे चलो, हम तुमको इसका गाना सुनाएगा। ओ ब्रदर, क्या करता है? गाड़ी चलाओ। चलो चलो चलो। बेगम साहिबा, यहाँ तो सब लड़कियाँ हैं, हमसे पर्दा क्या? हम तो सूरत देखे बिना नहीं रहेंगे। अरे मेरे मन हो, सूरत देख के क्या करोगी तुम लोग, यहाँ तो तुम सब एक से एक बढ़कर खूबसूरत हो। अच्छा ये बताइए, हम में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? अरे सबसे ज्यादा खूबसूरत जरा देखने तो दो। अरे मेरी कमर। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। अरे मैं बारी जाऊं, अरे मैं कुर्बान जाऊं, अरे चांद का टुकड़ा तो यही है, जो देखेगा दीवाना हो जाएगा। सुभान अल्लाह है हसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये मस्ताना अदाए, खुदा महफूज रखे हर बला से, तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद साये, न जाने किसके घर चमके का टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमके का टुकड़ा चांद का ये, इजाजत हो है तो फिर हम भी है,
इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से तुमको देखता है ये जमाना। सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना। सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना। कोई दिल हो है कोई महफिल है। कोई दिल हो कोई महफिल जहां भी आप जाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से सुभान अल्लाह हसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं। खुदा महफूज रखे हर बला से तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं। खुदा महफूज रखे हर बला से अगर मोहन ने देख लिया तो मैं भी उसे देख लूंगा। चला इधर है तुम्हारा बीबी। अरे ढूंढता है बिरादर, अभी मिला किधर है? जल्दी ढूंढो ना। इधर ढूंढता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जिसकी बीवी बने थे वो कौन था? वो मेरा दोस्त था। मगर ऐसा पागलपन तुमने क्यों किया? तुमसे मिलने के लिए। आपको देख कर ऐसा मालूम होता है जैसे आपकी बीवी भागी ही नहीं। भाग के फिर डर जाएगा, मिल जाएगा। हमारा बीवी कोई नई बीवी थोड़ी है जो भाग जाएगा। 20 साल पुरानी है। हाँ साहब, ये क्या है? है? दिखता नहीं क्या? अबे चिंता क्यों, पैसे ले ले। हाथ छोड़, हाथ छोड़, पैसे ले ले। फोन कर दिया, पैसे ले ले। छोड़, भागो भागो भागो। क्या हुआ?
वो मुर्गा आ गया, तुम्हारे जिंदगी का विलन आ गया, भागो। तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है जीवन में खुशियों का सामान हुआ है जितनी दूर नजर मैं डालू चारों ओर बहार है मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले बजेगी तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले देखे सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे तेरी आंखों में भी अरवो जादू है जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है मेरी
जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले मेले में चकमा देकर अपने यार के साथ चली गई। क्या बकते हो? ठीक बकता हूँ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी शंपा उस शहरी बाबू के साथ गुलछड़े उड़ा। लाओ नहीं बुड्ढे, वरना दबान खींच लूंगा। मेरी गोदी वाली लड़की पर, तुम्हारी या किसी और की, खैर किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर तुमने शंपा की शादी मेरे साथ नहीं की तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। सोच लो, यहाँ के लोग मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, और तुम पुलिस की मदद नहीं ले सकते। क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानते हो, समझे? मैं फिर आऊंगा। बर्था, वो बच्चा कौन? ओ मोहन से थोड़ी सी मुल्लत और दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगा। जा, माफ किया। क्या? अब ऊपर से 100 रुपए और दूंगा। हाँ? अगर तू इस बात का पता लगा दे कि चंपा के माँ बाप कौन है। चंपा? हाँ, तू एक दिन नशे में बोल गया था कि वो दीनू की बेटी नहीं है। ओ, वो तो बड़ी पुरानी बात है। बहुत साल पहले जब दीनू शराब पीता था तब उसके मुंह से भी बात नशे में निकल गई थी, मगर उसने भी और कुछ नहीं बताया। लेकिन इसे नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ। दीनू तुम इस वक्त यहाँ? अभी अभी मोहन आया था। अच्छा, वो चंपा से शादी करना चाहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, वो पैसे वाला है, इज्जतदार है। नहीं परशा, मोहन चंपा के लायक नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो किसी साहूकार की बेटी हो। परशा, चंपा एक लखपति की बेटी है, ये राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि चंपा मुझसे छिन जाए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मोहन ने धमकाया तो उसके डर से मुझे तेरे पास आना पड़ा। मोहन से तो सभी डरते हैं, तुम जानते हो कितना खतरनाक आदमी है। अगर वो चंपा से शादी करना चाहता है तो करके ही रहेगा। मैं जान भी दे दूंगा, मगर मोहन को नहीं रोक सकोगे। परशा, वादा कर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू चंपा को उसके घर वालों तक पहुंचा देगा ना? मगर कहां? देख, किसी से बताएगा नहीं ना। पागल हो गए? तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो। तो सुन, श्रीनगर झील के किनारे एक आलीशान पीले रंग की कोठी है, मेरा मतलब है 20 साल पहले थी। हाँ हाँ, अब भी वहाँ है। मैं वहीं से चंपा को उठा कर लाया था। चुरा कर? हाँ, वो दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ की लड़की है, मेरी बहन करना वहाँ काम करती है। मगर उस सेठ जी का नाम क्या?
सेठ का नाम है परशा। परशा इस कमरे में कोई और है क्या? है कोई नहीं, जरूर कोई किसी आदमी इस कमरे में। आ, तुम्हें बहम हो गया दिनू, यहाँ कोई नहीं। और बैठो, तुम तो सेठ जी का नाम बताने वाले थे ना? नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि दीवारों के भी कान। हाँ दिनू, दिनू सुनो, दिनू, अरे दिनू सुनो तो, दिनू कौन आया है मुझसे मिलने? मैं, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। तुम? अब बड़ी मुश्किल से भोला राम ने यहाँ का पता बताया है। तुम दीनू की बहन हो ना? मगर तुम कैसे जानते हो, कौन हो तुम? बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले ये बताओ, तुम्हारे शेठ जी की एक लड़की हुई थी ना? क्या? वही जिसे तुम्हारा भाई चुरा कर ले गया था। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? सब कुछ। सिर्फ ये नहीं जानता कि इस जमीन जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। ये सब उसी का है, मगर वो है कहाँ तुम जानते हो? जानता हूँ, मगर बताऊंगा समय आने पर। समझी? सुनो, रुको। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, छोड़ो। अरे करुणा, क्या हुआ करुणा? अभी अभी एक आदमी आया था, वो रानी बिटिया के बारे में। क्या कह रहा था रानी बिटिया के बारे में? शायद वो जिंदा है। जिंदा है? कहाँ है वो? अब जाती हूँ। थोड़ी देर और ठहर जाओ। छोड़ो, कल फिर आऊंगी ना? कल आओगी फिर चली जाओगी। चंपा, अब बात बहुत बढ़ गई है। तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। तुम मिलो ना जाकर। जान पहचान तो तुम ही कराओगी। उस मामले में तुम बहुत तेज हो, मुझसे तुम्हारी जान पहचान किसने कराई थी? एक बाल्टी ठंडे पानी में। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था कि उस पानी डालने वाले को अपनी रानी बना। आहा हा हा हा, तुम तो जैसे कहीं के राजा हो। मैं किसी राजा से कम नहीं। अगर मैं एक इशारे पर तुम्हारे कदमों पर लाखों रुपए निचार कर दूं तो क्या कहोगे? यही कि तुम पागल हो। था तो नहीं, तुम्हारे भोलेपन ने पागल बना दिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, पागल जब किसी को पकड़ता है तो बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, और फिर पागल का क्या भरोसा, कभी कभी तो काट भी लेता। हटो, तुम क्या सचमुच दीवाने बन गए हो? हाँ, आज सब दीवाने हैं। मैं भी, तुम भी, ये फूल, ये कलियां, ये मौसम, और वो देखो वो बादल, कैसे दीवानों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। और मैं भी भागती हूँ, तुम्हारा दीवानापन बढ़ रहा है। दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले,
दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुम नयदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। संजीव लाल का मकान देखा, क्या बात है, करोड़ों रुपए की आशामी है, तुमने भी ढूंढ कर नगीना चुराया था। हाँ बाबा, तुम्हारी बहन करुणा से भी मुलाकात हुई। करुणा से? जरूर नहीं, बेचारी शंपा का ख्याल आ गया इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने। जिस बाप को वो देवता समझती है उसके काले करतूत सुनकर उसका क्या हाल होता। बस करो, तुम चाहते क्या? शंपा से शादी करना, कितनी बार कहूंगा।
अगर चंपा राजी न हो तो? तुम तो राजी हो ना? मैं? बस बस बस, अगर तुम राजी हो तो किसी भी तरह समझा बुझा कर चंपा को भी राजी कर लेना, वरना तुमको जेल हो गई तो कन्यादान कौन करेगा? अब मेरे सपनों की रानी आज सुबह ही सुबह कैसे वापस आ गई? अब फूल बेचने नहीं गई? तुमसे मतलब? जवाब नहीं, गुस्सा करती है तो और भी खूबसूरत नजर आती है। चुप रहो। आज तो शुभ करता हूँ, मगर उस दिन कैसे शुभ कराएगी? किस दिन? जिस दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी और मेरे सर पे जेहरा बनेगा। शर्म? सच के जाऊं, शताले शताले, हमारा भी समय आएगा। हाँ बाबा, क्या बात है? तुम परेशान मालूम होते हो। बेटी मैं सोच रहा था, दिन रात मुझे तेरे ब्याह की चिंता लगी है। बाबा तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? नहीं बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छे घर भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी मोहन मुझसे कई बार कह चुका है। मोहन? हाँ, वो तुझसे शादी करना चाहता है, उसके पास बहुत दौलत है। बाबा, दौलत के लालच में क्या तुम अपनी औलाद को बेच सकते हो? चंपा, कभी ऐसा मत करना, फिर कभी ऐसा मत करना। मोहन से शादी करने के बजाय तुम अपने हाथों से मेरा गला खोल। चंपा, ऐसा न करना। बेटी मैं अपने होश में नहीं था, अब मैं मोहन की धमकी से नहीं डरूंगा। कैसी धमकी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तुमने उसे कर्ज लिया है यही ना? कितने रुपए हैं? मैं अभी जाकर राजू से ले आती हूँ। राजू? राजू कौन? वो जो ड्राइवर है ना, जिसने 20 रुपए में तेरे फूल खरीदे थे। बहुत अच्छा आदमी है। चंपा, तुझे राजू पे इतना भरोसा है? हाँ। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। राजू भी तुमसे मिलना चाहता है। तो ऐसा कर, कल से बुला ले। अगर वो तुझे पसंद है तो मैं बहुत जल्द बात पक्की कर दूंगा। अरे ओ चंपा कली, ये लाती बल खाती कहाँ चली? पिया की कली। ऐसे नहीं हटूंगी। पहले बता, मिलकर आ रही थी या मिलने जा रही थी? जा रही हूँ। कोई खास बात है क्या? अरे बता ना जल्दी, क्या बात है? बाबा राजी हो गए हैं। वो राजू से मिलना चाहते हैं। ये क्यों नहीं कहती कि तू मिलना चाहती अपने रोलमा से? तुम्हारे मालिक तो नहीं है? नहीं, क्यों? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बात ही कुछ ऐसी है। क्या? आओ ना। क्या बात क्या है? बैठो। बात क्या है? बैठो ना। क्या बात है? बाबा कह रहे थे हाँ? बहुत अच्छे आदमी हो। बस ये बात है? क्यों, ये कोई मामूली बात है? बाबा तुम्हें पसंद न करती तो हमारी शादी कैसे होती? मगर अभी हुई कहाँ है शादी? हुई नहीं तो हो जाएगी। तुम बाबा से बात पक्की कर लो। पहले मैं तुमसे तो बात पक्की कर लूं। हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो। ये क्या? हमारी शादी तय होने की निशान। अगर आप तुमसे कोई शादी करना चाहे तो उसे अंगूठी दिखाना। मैं अंगूठा ना दिखा दूंगी सर। अरे ये तो बताओ, शादी के बाद लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेती,
भला तुम मुझे क्या कहकर पुकारोगी? मैं ए जी हाँ जी, तुम्हारे मालिक आ गए। मालिक? मालिक तो हाँ, मालिक आ गए। आओ तुम्हें कहीं छुपा दूँ। तुम यहाँ छिपो, मैं देखता हूँ कौन आया। हेलो हेलो, मैं अंदर आ सकती हूँ? देखिए, आपको पागल की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप ही सेठ राजू लाल है। मैं? देखिए, अब आप बनिए मत, मुझे सब कुछ मालूम है। आपके दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चंद्र ने सब कुछ बता दिया? हाँ। बोलिए, कोई सुन लेगा? कौन सुनेगा, इस वक्त हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। जरा उससे होशियार रहिएगा, बड़ी चालबाज लड़की है। और तुम? मैंने तो आप पे छोड़ दिया है। इतने रोज पागल बनकर आपने खूब इम्तिहान लिया हमारा। आप खुद समझ गए होंगे ये रेखा और छाया किस तरह की लड़कियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माया, ओह छाया, मैं छुप जाती हूँ। आप भी छुप जाइए सोफे के पीछे। थैंक यू माया। आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। सच? जी। मैं आपको माया और छाया दोनों से ज्यादा अच्छी लगती हूँ। ये कोई पूछने की बात है, आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आपके प्रेम ने मुझे पागल बना दिया। तब तो शादी आप मुझसे ही करेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है, शादी तो मैं आप ही से करूंगा, लेकिन उसमें एक मुश्किल। वो क्या? आपकी सहेलियां रेखा और माया, वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो दोनों तो आपकी दौलत से प्यार करती हैं, और मैं सिर्फ आपसे। वो भी यही कहती हैं। वो झूठी हैं। हाँ, तो आइए फैसला कर लें, इत्तेफाक से वो दोनों भी यहाँ पर हैं। आइए आइए। देवी जी, बाहर निकली, बाहर निकली। मोहतरमा, आप भी बाहर निकली। झूठी, बेईमान, चुगलखोर, मक्कार, तू क्या है और तू क्या है? तुमने मेरे बारे में इनको क्या क्या कहा? मैंने क्या कहा, इसे कहा था? और मैंने Shut up! जानते हो मैंने तुम तीनों के बारे में क्या फैसला किया? क्या? अगर कल तक तुम इस घर से गई नहीं तो मैं तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इनसे तो अच्छे अपने बॉयफ्रेंड थे। तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? उनके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। थैंक यू। नाउ गेट आउट। बाय बाय। चंपा, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ 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 चंपा, छोटे सरकार, रानी मगर ड्रंक कॉल आया है। वो बहुत घबराई हुई मालूम होती है। हेलो, हाँ माँ, क्या? अच्छा, हाँ माँ, मैं भी आता हूँ। माँ जाना हो, मैं प्लेन के टिकट का बंदोबस्त करता हूँ और सामान बांध देता हूँ। लेकिन चंपा, चंपा को मैं सब कुछ समझा दूंगा सरकार। आता ही होगा, मरने से पहले एक बार उसे देख लेती। जी, ऐसा मत कहो करुणा, श्यामलाल जी डॉक्टर को लेने गए हैं। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। माँ, राजू बेटा तू आ गया। राजू, करुणा तू आ गया। करुणा उठो। नहीं माँ, ले जाओ। करुणा मासी को हुआ क्या है? निमोनिया है राजू।
अच्छा हुआ तू आ गया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा ना कहो मासी, चुपचाप आराम करो। राजू मुझे बोलने दे, मौका नहीं मिलेगा। राजू तू रात ही माँ का बेटा नहीं, करो ना। मुझे बोलने दो, नहीं तो मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिमले में मेरा एक भाई रहता था, दिनू आवारा घर शराबी। कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भूख लगे। ये क्या भैया, राजू को मार डालोगे क्या? हाँ, जब देखो तब खाना मांगता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब में पैसा उड़ा सकते हो लेकिन अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकते? मुझे बेटा नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, नहीं। शराब, शराब के लिए मैं इसे बेच भी सकता हूँ। कितने में? क्या? रानी माँ आजकल यहाँ आई हुई है, मैं इसे उनके पास ले जाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आ गया तो इस बेचारे की जिंदगी बन जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। तो इस घर में पलने लगा और दिनों ने कुछ ही दिन में सारे रुपए शराब में उड़ा दिए और वो फिर रुपए मांगने आया और आता रहा। मगर एक दिन फिर आ गए तुम, अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। कौन? राजू। तुम चाहो तो उसे अभी ले जा सकते हो। क्या मतलब? भगवान की दया से रानी माँ खुद माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली? राजू के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मैं आज उसे लेकर रानी माँ के पास कश्मीर जा रही थी। कश्मीर? हाँ, मैं उसे बुला देती हूँ, तुम चाहो तो उसे ले जाओ। नहीं नहीं, वो यहीं रहेगा, हमेशा यहाँ रहेगा। इस घर की दौलत का मालिक मेरे बेटे के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, समझी? और जिस दिन रानी माँ की बच्ची पैदा हुई, ये बेहोश थी, डॉक्टर ने कहा था शायद तो एक रोज तक होश ना आए। उस दिन भी ऐसी ही भयानक रात थी, मैं एक कमरे में बच्ची को पालने में सुला रही थी। बोलो,
मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई। सेठ जी, मेरा नाम राजीव है, सेठ जी नहीं। लेकिन मैं तो आपको हमेशा मत कहिएगा वरना मैं समझूंगा आप मुझे गाली दे रहे हैं। ओ सेठ जी, आपका कोको कोला सेठ जी। जरूरत महसूस हुई, अब आदत भी पड़ जाएगी। कर्नल, जो जनरल लड़ाई में हार जाता है उसकी क्या हालत होती है? वो फिर से फौज जमा करता है और फिर से लड़ता है माय बॉय। और जिसकी उम्मीद भी टूट जाए और सारी दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर वो क्यों कर जिए कर्नल? मोहब्बत के लिए जिए माय बॉय, अपनी मोहब्बत के लिए। आज जिंदगी में बहुत बड़ी बात कह गए कर्नल। दुनिया से जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी ये दुनिया उसकी।
की नजर में लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का के बाद हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीर जाना है सजदे के बाद हर वो दीवाना के जो बन में जो गया हो किसी दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो सताएगा क्या जिंदगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का है दुनिया उसी की जमाना उसी का मोहब्बत में जो गया हो किसी आपने मुझ पर किए समझ में नहीं आता ये कर्जा कैसे उतारूंगा कर्जा कौन सा कर्जा तू क्या कह रहा है बेटा बेटा सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे बेटा कह रही आप औरत नहीं देवी है राजू बेटा काश कि मैं भूल सकता कि मैं ऐसे बाप की औलाद हूं जिसने दौलत के लालच में आकर इस घर की खुशियां छीन ली जिसने मुझे इस घर की जायदाद का वारिस बनाने के लिए अपनी शराफत इंसानियत और जमीर तक को बेच डाला नहीं बेटा तेरे पिताजी से मुझे कोई शिकायत नहीं जो कुछ मेरे पास है वो बहुत है और जो मुझसे छीन लिया वो मेरी तकदीर में नहीं था रानी माँ मैं बताना भूल गया था जिस दिन करुणा की तबीयत अचानक खराब हुई थी एक आदमी उनसे मिलने आया था एक आदमी लेकिन वो था कौन उसका कुछ नाम पता कुछ नहीं मालूम लेकिन करुणा को उसकी बातचीत और पोशाक से ऐसा लगा
जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला। इसलिए मुझे यकीन है कि वो जहां भी है जिंदा है। मैं उसकी तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। रानी माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आज पूरे 20 साल के बाद आपने इस घर में कदम रखा है रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। जीते रहो बेटा। मैं जाता हूँ, आपकी देखभाल के लिए चंदर है, भोला राम है। किसी की जरूरत नहीं, मैं जो हूँ रानी माँ की सेवा करने के लिए। तो मेरी धर्म पत्नी। परसों ही शादी हुई है। मैं जाता हूँ। अभी तो आया है, थोड़ा आराम कर ले। आराम? मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकता। चंदर ख्याल रखना। अच्छा सरकार। आइए रानी माँ। सरकार आपके जाने के बाद चंपा का पता लगाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर बाजार में फूल बेचने के लिए कभी नहीं आई। चंपा, चंपा, फूल चाहिए सेठ जी? सिर्फ 5 रुपए की टोकरी है। 5 रुपए आपके लिए क्या चीज है सेठ जी, ले लीजिए ना। चंपा, उस रोज मुझे तुमसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। कहने की जरूरत भी क्या है? लड़कियों की जिंदगी से खेलना, प्यार का नाटक करना, ये तो आप जैसे बड़े लोगों की आदत होती है सेठ जी। चंपा, मैं सेठ नहीं हूँ, बड़ा मामूली आदमी हूँ। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो तो उसी रोज दूर हो गई जब मैंने अपनी आंखों से आपका असली रूप देखा। चंपा, एक बार धोखा देकर मन नहीं भरा जो फिर आ गए। चंपा, चंपा रुक जाओ। बाजार नहीं गई बेटी? अभी तो फूल लेकर आई हूँ, जाऊंगी थोड़ी देर में। अब तुझे फूल बेचकर हम दोनों का पेट पालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तेरे जाने के बाद मोहन आया था। मोहन? हाँ बेटी, मोहन दूसरों के साथ चाहे जैसा, लेकिन उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की। कभी कभी रुपए पैसे से भी मदद की। वो हमारा हमदर्द है बेटी। कहना क्या चाहते हो बाबा? वो तुझसे शादी करना चाहता है। शादी? मैं मजबूर ना होता बेटी तो मोहन से भी अच्छा लड़का तलाश करता, लेकिन क्या करूं, आंखों से अंधा हूं, लाचार हूं, गरीबी से भी मोहताज हूं। लेकिन बाबा। ना ना बेटी, अब तो इनकार ना करना। मोहन के पास पैसा है, इज्जत है, वो तुझे सुखी रख सकता है, और मुझे भी अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया है। तू मेरे पास रहेगी, मेरी देखभाल करेगी, मुझे बुढ़ापे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी बेटी। पापा, ना रो बेटी, ना रो, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाए। अच्छा, अब मैं मोहन से जाके कहता हूँ कि तू शादी के लिए राजी। मैं जाता हूँ। छोटे सरकार, आप रानी माँ की बेटी को ढूंढने के लिए गए थे? क्यों, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक दिन मोहन यहाँ आया था। मोहन कौन? वो जंगलों का ठेकेदार? हाँ, मैं समझा वो नशे में बात करता होगा। क्या कह रहा था वो? यही कि रानी माँ की बेटी को अच्छी तरह से जानता है। वो कैसे जानता है? जच रहे हो मोहन से? जिस दिन दूल्हा राजा बन के घोड़े पे बैठोगे, कयामत हो जाएगी। अभी तो 3 दिन बाकी है परीक्षा, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, और आती है तो शंपा के ही सपने देखता रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? रानी माँ की बेटी के बारे में।
कौन रानी माँ? जिनका पता भोलाराम से पूछकर तुम दिल्ली गए थे। कौन भोलाराम? रानी माँ की बेटी के बारे में तुमने करुणा से बातचीत भी की थी। कौन करुणा? मौत! उस लड़की का पता लगाना। पता वो कौन है और कहाँ है? बताता हूँ। पहले छोड़ो तो। अब बताता हूँ। मोहन से। बता दो ना मोहन सेठ, पता वो लड़की कौन है? अरे खून। तुम क्या जानते? मैं सब कुछ जानता। मुझे मारिए नहीं साहब। कौन है वो लड़की? सब समझते हैं अंत दिनों की वो बेटी, लेकिन मैं जानता हूँ वो उसे चुरा लाया था। किसको चुरा लाया था? चंपा को। जी हाँ, चंपा। चंपा ही वो लड़की है? जी हाँ चंपा। क्यों आए? मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा घर में नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस वक्त चलना होगा। नहीं, पहले धोखा दिया, अब मुझे बदनाम करना चाहते हो। परसों मेरी शादी होने वाली है। शादी किससे? मोहन से। जरूर आना शादी में, अपनी आंखों से मेरी बर्बादी देखना। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का मुझे मौका नहीं मिला, और अब दूर करने से कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी माँ? हाँ, तुम नहीं जानती तुम कौन हो। किस्मत ने एक मजाक किया तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया। बस करो, मैं समझ गई तुम फिर कोई धोखा देना चाहते हो मुझे। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो बाबा मुझे बताते नहीं? नहीं, क्योंकि बाबा ने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीना था। क्या? जिन्हें तुम अपना बाबा समझती हो वो तुम्हारे कोई नहीं है। चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। चंपा, देख तो मैं तेरी क्या क्या लाया हूँ। रेशमी कपड़े, गहने। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। क्या? तुझे किसने कहा? किसने कहा तुझे? राजू ने। वो कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। पकता है, झूठा है, मक्कार है। तू मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, उसे ऐसा कहने का क्या हक है? और चंपा को अपनी बेटी कहने का आपको क्या हक? राजू कमीने बदमाश, तूने मेरी लड़की को धोखा दिया, इसके मासूम दिल को दुखाया। तेरी यहाँ की हिम्मत कैसे हो? निकल जा, चला जा, चला। लेकिन चंपा को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आज एक पराई लड़की से बिछड़ने में आपको इतनी तकलीफ हो, और उसने नहीं सोचा कि उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसकी गोद से आपने एक दूध पी थी बच्ची को छीन लिया था। खामोश! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तेरा खून काटूंगा, मैं तेरा खून काटूंगा। बाबा! मेरा खून तो आपने उसी दिन कर दिया जिस दिन शराब के लिए मुझे बेच दिया था। क्या? मुन्ना, तू राजू? मुन्ना! हाँ। तू राजू? मुन्ना, आपका मुन्ना, आपका बदनसीब मुन्ना, जो बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर दूसरे के घर में पला। बस कर मुन्ना, बस कर। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी, अब और ठोकर मत मार। मैं जानता मुझे बेटा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बाप का हक तो उसी दिन खो बैठा जिस दिन अपने बेटे के साथ अपने जमीन को बेच डाला।
बाबा, क्या ये सब सच है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कह दो कि जो कुछ मैंने सुना है सब सब झूठ है। नहीं, आज तक तुम ऐसी झूठ के सहारे जिंदा, लेकिन आज सच्चाई ने सामने आकर मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, अब झूठ बोलने की हिम्मत बेटी, तू सेठ संजू लाल की बेटी है, मैं तुझे चुरा लाया था तुझे मार डालने के लिए। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली और मुझे बहुत बड़े पाप से बचा दिया। आंखों से अंधा और लाचार होने के बाद मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैंने तुझे अपना ली, तू ही मेरी आंखों की रोशनी और दिल का सहारा बन गई। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, जो भी हो जैसे भी हो मेरे बाबा, मैं और किसी को नहीं जानती। रानी माँ मेरे साथ यहाँ आई है। यहाँ? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रानी माँ को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। जब तक आप चंपा को रानी माँ के हाथों में सौंप कर उनसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, आज से तुम मुझे भूल जाओ, मैं तेरा कोई नहीं। अरे मैं तेरा कोई नहीं। डरो बेटी, तू तो अब रानी बनकर रहेगी, तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा। राजू, राजू, ये चंपा है रानी, तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी? हाँ, चंपा, ये तुम्हारी माँ। माँ, मेरी बेटी, माँ, माँ, मेरी बेटी, माँ, मेरी बेटी, वाह! यहाँ तो शारे का शारा ही कुनबा मौजूद है। चलो अच्छा हुआ, अब देर किस बात की है शादी में? मोहन! राजीव! मोहन! राजीव! मोहन! आपका होने वाला दामाद चंपा को मंडप में ले जाने आया हूँ। चलो चंपा, चलो उठे, शादी से पहले ही माँ बेटी की मुलाकात करा दी। चलो शादी इसी समय होगी। चलो चलो चलो। अरे आप देखो क्या बोला जी, आगे वालों के साथ चल। मोहल्ला तो एक जिंदा। चला तो मेरी बेटी को।
जो चाहे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं शादी करूंगा, कन्यादान तुम करोगी। ले जाओ दोनों को मेरे कारखाने में, शादी नहीं होगी। ले जाओ मोहन। मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, मैं तेरा खून चूस जाऊंगा। तू मेरी बोटी बोटी करेगा, तू मेरा खून पिएगा। बाकी तेरी मरम्मत शादी के बाद आकर करूंगा। दो आदमी इसके पास रहो, चलो। इतनी देर हो गई, अभी तक रानी मां राजीव का कोई पता नहीं। चल के देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। बोला राम, तुम्हें चंपा का घर मालूम है? हाँ। तो चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। शुरू करो, शादी 5 मिनट में होनी चाहिए। लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद साथ फिर तो लगाने ही होंगे। शांत, जल्दी करो। Thank you.
रानी माँ ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं तुझे कुछ राजू को बताइए, राजू के जान खतरे में। कहाँ है वो? मुंह के पीछे बैठा। जरा जल्दी कीजिए। Thank you.
हाथों में तेरा आंचल आया के बाहर आई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ा